जय हिंद साथियों। इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमें एक टर्म सुनने को मिलती है, कोल्ड वॉर। अभी कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद पूरे यूरोप की आर्थिक रूप से कमर टूट गई थी, क्योंकि उनके सारे संसाधन युद्ध में खप गए थे। विश्व पटल पर दो महाशक्तियों का इसके बाद उदय हुआ, एक था यूएस और एक था यूएसएसआर। यूएस अगुआ था कैपिटलिस्ट ब्लॉक का और यूएसएसआर अगुआ बना कम्युनिस्ट ब्लॉक का। अब ये जो दो ब्लॉक्स हैं, ये आइडियोलॉजी के आधार पे बटे हुए थे और इन्होंने पूरा प्रयास किया पूरे विश्व को दो धड़ों में बांटने का। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद विश्व दो धड़ों में बट गया था, एक कैपिटलिज्म और दूसरा कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म का अगुआ था यूनाइटेड स्टेट्स और कम्युनिज्म का अगुआ बना यूएसएसआर। कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लिबरलिज्म। कम्युनिज्म की जो विचारधारा है वो सोशलिज्म की बात करता है, जनरल वेलफेयर की बात करता है, वो स्टेट कंट्रोल की बात करता है। कैपिटलिज्म जनरली राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल की बात करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है, और इसी के कारण हमें एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। इससे इतर कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म बात करता है जनरल वेलफेयर की। जनरल वेलफेयर का मतलब हो गया सबके हित की बात। इसीलिए कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कोई जगह नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह स्टेट कंट्रोल को ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक तरह से कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, जैसे कि 5-year प्लान्स के रूप में देखने को मिलता है। अब यूएस और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही जिस विचारधारा को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी को पूरे विश्व की विचारधारा बनाना चाहते थे। पूरी जो विश्व की व्यवस्था है वो इनकी विचारधारा के अनुसार चले, और यही कारण था दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होने का। कोल्ड वॉर का मतलब है ये हॉट वॉर नहीं है, मतलब कोई धुआं नहीं उड़ रहा, कोई बम नहीं फूट रहे, कोई लोगों की जान नहीं जा रही है। तो फिर कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर एक साइकोलॉजिकल वॉर है, एक दूसरे के प्रति सस्पिशन की भावना, जिसके कारण कंपटीशन दोनों के बीच में देखने को मिला, कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में देखने को मिली, और एक दूसरे के प्रति जो सस्पिशन है, शक है एक दूसरे को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, उसके कारण हमने आर्म्स रेस भी विटनेस करी। यानी कि यूएस और यूएसएसआर दोनों ने ही अपने न्यूक्लियर आर्म्स को बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास किए, अपनी सारी शक्ति अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने में लगा दी इस कोल्ड वॉर के दौरान। अब सवाल ये उठता है कि जब यूएस और यूएसएसआर ये इतनी बड़ी महाशक्तियां रही कोल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1950s की शुरुआत से ही, तो इनको जरूरत क्या है दूसरे देशों को अपने पाले में लाने की? तो पहली बात तो ये है कि इनको फॉलोअर्स चाहिए, ताकि अपनी हेगेमोनी एस्टैब्लिश कर सके, अपना वर्चस्व स्थापित कर सके विश्व पटल पर, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर इनका आधिपत्य हो पूरे विश्व पर। दोनों ही शक्तियों का ये प्रयास था। आधिपत्य को लेके इन दोनों के बीच में जो संघर्ष था, यही कोल्ड वॉर कहलाता है। इसके कारण न्यूक्लियर वेपन्स आर्म्स रेस हमें देखने को मिली। दोनों ही सुपर पावर्स को खुद सक्षम होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा एलाइज की जरूरत थी, तो उसका कारण जो है वो ये चार हैं। इन दोनों ही सुपर पावर्स को चाहिए थे रिसोर्सेज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लोकेशनल एडवांटेज एंड स्पाइंग कैपेबिलिटी। रिसोर्सेज हो गई मिनरल्स और पेट्रोलियम की फॉर्म में, रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोलियम फॉर रनिंग दोज इंडस्ट्रीज। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऐसे हो गई कि अगर इनका कभी वॉर होता है या फिर युद्ध अभ्यास होते हैं, कोई भी कैंपेन चलता है, तो ये जो छोटे छोटे देश हैं ये एक साथ मिलकर अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन देंगे। लोकेशनल एडवांटेज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यूएस है, आज की डेट में वो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना चाह रहा था, तो नाटो का मेंबर बना के यूएस को क्या फायदा होगा? नाटो बेसिकली एक एंटी कम्युनिस्ट अलायंस है जो 1949 में बनी थी कोल्ड वॉर के दौरान ही। अब अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो क्या होगा कि यूएस और जो एंटी रशिया एंटी कम्युनिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक है, उसको लोकेशनल एक्सेस मिल जाएगा यूक्रेन की टेरिटरी का, और यूक्रेन बिल्कुल नेबर में है रशिया के, और वो रशिया के लिए खतरे की बात होगी। उसी तरह अगर लोकेशनल एडवांटेज मिलेगी तो उसी टेरिटरी का यूज करके वहां पे जासूसी भी हो सकती है, स्पाइंग भी हो सकती है। तो ये सारे कारण थे जिसको ध्यान में रखते हुए दोनों ही महाशक्तियां अपने एलाइज को भी मैक्सिमाइज करना चाहती थी, और इसी के दृष्टिगत बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिली। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में नाटो, 1954 में सिएटो, 1955 में सेंटो और 1955 में ही वॉर्सो पैक्ट, ये चार ऑर्गेनाइजेशंस कोल्ड वॉर के दौरान ही पैदा हुई थी, और इन ऑर्गेनाइजेशंस का उद्देश्य दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा एक दूसरे को काउंटर करना, एक दूसरे के ऊपर नजर रखना, एक दूसरे को डराना, दबाव बनाए रखने का प्रयास, इस सब के मद्देनजर दोनों ही धड़ों ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट किया था। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं कैपिटलिस्ट ब्लॉक के द्वारा
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हो गई अटलांटिक कंट्रीज के लिए, यानी कि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज को लेके। ये ग्रुपिंग है साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज की, और सेंटो ग्रुपिंग है वेस्ट एशियन कंट्रीज की। अब यहाँ पे पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बन गया था, क्योंकि वो नाम का मेंबर नहीं था। इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया था इसी दौरान, क्योंकि इंडिया अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहता था और वो किसी भी धड़े के प्रभाव क्षेत्र में फंसना नहीं चाहता था। ये समय था इंडिया की नेशन बिल्डिंग पे ध्यान देने का, और इंडिया को नेशन बिल्डिंग के लिए सपोर्ट चाहिए था दोनों ही धड़ों से। जो हमारी इनिशियल लीडरशिप थी इंडिपेंडेंस के समय, उसने जो ये ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी बनाई नॉन अलाइंड मूवमेंट के रूप में, उसका सक्सेस हमें देखने को भी मिला। जहां एक तरफ हमने देखा कि नेशन बिल्डिंग में यूएसएसआर ने हमारी मदद करी, उसी के साथ 1962 के चाइनीज एग्रेशन के दौरान यूएसएसआर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के कारण इंडिया की उतनी मदद नहीं पा रहा था, चाइना के अगेंस्ट भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन उस दौरान यूएस ने इंडिया को अपने पाले में करने की उम्मीद में इंडिया की मदद करी, अपनी शिप एंटरप्राइज को चाइना को डराने के लिए इंडियन ओशन में डिस्पैच कर दिया था। तो इस कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही धड़ों के बीच में हमें हाई लेवल की म्यूचुअल सस्पिशन, कॉम्पिटिशन और म्यूचुअल कन्फ्रंटेशन देखने को मिली। बस यही कोल्ड वॉर है, कोई युद्ध नहीं होता था दोनों पावर्स के बीच में, बस एक दूसरे को डराने धमकाने का प्रयास करते रहते थे, जो कि हमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रूप में देखने को मिला। तो 1962 की ये बात है जब इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था। ये कोल्ड वॉर की ही भयावहता को दर्शाने वाला एक एग्जांपल है कि 1962 के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यूबा को धमकाने के उद्देश्य से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन कर दी थी अपने बॉर्डर पे। बटन को पुश करते ही पूरा क्यूबा वाइप आउट हो सकता था। अब क्यूबा की मदद करने के लिए यहाँ पे कम्युनिस्ट लीडर यूएसएसआर आया, और यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा के बॉर्डर पे स्टेशन कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 1962 से पहले जितनी यूएस सिटीज यूएसएसआर की न्यूक्लियर मिसाइल्स की जद में थी, उससे दुगनी अमेरिकन सिटीज अब यूएसएसआर की न्यूक्लियर मिसाइल्स की जद में आ गई। तो एक क्राइसिस जो है ये एक तरह से वॉर में तब्दील हो सकता था, और इससे बहुत हैवी डिस्ट्रक्शन होती, एक बहुत बड़ी त्रासदी का रूप ले सकता था। लेकिन यूएसएसआर और यूएस दोनों के ही जो लीडर्स थे उस समय के, निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने परिपक्वता का परिचय दिया। गुड डिप्लोमेसी प्रिवेल्ड एट दैट टाइम, और दोनों ही देशों ने समझदारी का परिचय देते हुए अपनी अपनी शिप्स जो उन्होंने डिस्पैच करी थी उन्हें वापस बुला लिया, और न्यूक्लियर मिसाइल जो इंस्टॉल कर रखी थी अपने अपने बॉर्डर्स पे रिस्पेक्टिवली यूएस में और क्यूबा में, उनको भी वहां से हटा दिया। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, ये एक एग्जाम्पल है कोल्ड वॉर राइवलरी कितनी भयावह हो सकती थी उसका। खैर, फाइनली हमें देखने को मिला कि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। अब कोल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ? देखिए, 1985 में एक नए लीडर आए थे यूएसएसआर में, मिखाइल गोर्बाचेव। ये सत्ता के शीर्ष पे पहुंच गए थे यूएसएसआर में, लेकिन इनकी जो सोच थी वो पहली लीडरशिप से कुछ जुदा थी। मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि जो एक कम्युनिस्ट सिस्टम यूएसएसआर में उस समय था, यानी कि स्टेट कंट्रोल का, उसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए। तो इनकी दो पॉलिसीज थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोकिया। ग्लासनोस्ट का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, स्टेट जो काम करेगी उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और पेरेस्ट्रोकिया मतलब रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो लोगों को राइट्स भी यहाँ पे थोड़ी सी दी गई। लेकिन हुआ क्या, यूएसएसआर में जो एक सिस्टम एस्टेब्लिश था वो तैयार नहीं था इन इमीडिएट रिफॉर्म्स के लिए इतने फास्ट पेस पे, और उसके कारण हमें देखने को मिला कि जो यूएसएसआर है 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये 14 कंट्रीज ये अलग हो गई, और 15वीं कंट्री यानी कि रशिया, ये यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट बना 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद। इसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल था। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसके बाद एक ही ग्लोबल सुपर पावर रह गई, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट वॉज द सोल सुपर पावर, एंड द बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर टर्न्ड इनटू अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और इसके बाद एक सोल सुपर पावर यूएस रह गई, जिसने पूरे विश्व को अपने इशारों पर नचाने की मुहिम छेड़ दी। यहाँ पे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के थ्रू शॉक थेरेपी ट्रीटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू कर दिया। यूएसएसआर जो कि कोल्ड वॉर के दौरान एक मुख्य पात्र था, कैपिटलिज्म का मुख्य विरोधी था, उसने भी अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने का, लिबरलाइज करने का प्रयास शुरू कर दिया, और वो वेस्ट की तरफ देखने लग गया, ताकि उसकी इकोनॉमी में भी एफिशिएंसी आए, प्रॉफिट बढ़े, पूरे वर्ल्ड के साथ लिंकेज बढ़े। तो इसी तरह हमें देखने को मिला कि 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक
ग्लोबलाइज्ड, इंटरलिंक्ड, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्व होना शुरू हो गया। और आज की डेट में हम देखते हैं कि जो ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि कोल्ड वॉर की देन है, ये बहुत बड़े वॉर डिटेरेंट हैं। किन्हीं भी दो देश के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो उन्हें पता है कि अगर किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया तो दूसरी कंट्री भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करेगी और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और ये चेन रिएक्शन ऐसा होगा जो कि पूरे विश्व का विनाश कर देगा। तो इसलिए न्यूक्लियर मिसाइल्स एक तरह से एक न्यूक्लियर डिटेरेंट। दोस्तों, ये तो बात हो गई कोल्ड वॉर की, कोल्ड वॉर क्या था और ये कैसे समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।